आज हम बनाएंगे सब्जियों वाली मसालेदार मैगी। आप इस वीडियो को पूरा देख के, आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपने चैनल कुकिंग विद अमृता को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मसालेदार मैगी बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, 10 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च ली है। लहसुन, मिर्च और प्याज को एक चॉपर में डालकर चॉप कर लें। लहसुन, मिर्च और प्याज को चॉप करके साइड रख दें। अभी हम 8 से 10 बीन्स और हाफ गाजर लेंगे। बीन्स को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लें और गाजर को चॉपर में डालकर फाइन चॉप कर लें। सबको साइड रखें। अब मीडियम फ्लेम गैस पे एक पैन को गर्म करें। पैन के गर्म होने पर इसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दें। तेल के गर्म होने पर इसमें चॉपर में चॉप किया हुआ प्याज, लहसुन और मिर्च का दरदरा पेस्ट डाल दें। इसे हम सबके लाइट गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम शुरू से मीडियम है। बीच बीच में प्याज को चलाते रहें। 7 से 8 मिनट के बाद ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इसमें चॉप किए हुए बीन्स और गाजर को डाल दें। बीन्स और गाजर डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम गैस पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। 3 मिनट भूनने के बाद इसमें फ्रोजन मटर डाल दें। यदि आप फ्रेश मटर का यूज कर रहे हैं तो इसे बीन्स और गाजर के साथ ही डालें। अब एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉपर में फाइन चॉप कर लें और इसे भी मटर के साथ डाल दें। फ्रोजन मटर और टमाटर को मीडियम फ्लेम गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। 3 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दें। नमक आप सब्जियों के हिसाब से ही डालें, क्योंकि मैगी मसाला में भी नमक होगा। मसालों को 2 मिनट के लिए भूनें। मसालों को 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें पानी डाल दें। आपको जितने पैकेट मैगी बनानी है उतना कप पानी डालें। मैंने 2 पैकेट मैगी के लिए 2 कप पानी डाला है। सिंगल पैक वाली मैगी आती है ना, वो मैंने 2 लिए। पानी डालकर इसे सब्जियों में मिक्स करें। पैन को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। पानी डालने के बाद गैस का फ्लेम फुल कर लें। 3 मिनट के बाद पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें 2 पैकेट मैगी डाल दें। मैगी को कलछी की सहायता से ग्रेवी में डिप कर दें, जिससे कि अच्छे से कुक हो। मैंने मैगी को प्रेस करके इसे ग्रेवी में डिप कर दिया है। अब पैन को ढककर 3 मिनट के लिए कुक करें। 2 मिनट वाली मैगी हम 3 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर एक बार मैगी को चेक कर लें। मैगी कुक हो गए हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला मैगी कुक होने के बाद ही डालें, इससे मैगी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसमें 2 पैकेट मैगी का 2 सैचेट मसाला डाल दें। मसालों के साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच के लगभग काली मिर्च पाउडर डाल दें, इससे मैगी और भी अच्छी लगेगी। मसालों को मैगी में अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी यम्मी सब्जी वाली मसाला मैगी बनके तैयार है, जो खाने में बहुत टेस्टी बनी है। मैंने बिना ग्रेवी वाली मैगी बनाई है। यदि आपको ग्रेवी वाली मैगी बनानी हो तो इसमें 2 कप के बजाय 2.5 कप पानी यूज़ करें। चलिए अब मैगी को थाली में सर्व कर लेते हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई करें।